जी, तो इस्लामिक स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो काम किया था वो आप सब लोगों ने कर लिया, और कितने बच्चे हैं जिनकी फेसबुक प्रोफाइल्स जो नहीं बनी थी, और मैंने उन्हें कहा था कि अपनी प्रोफाइल्स बनाने के बाद अपना एक पेज भी बना लें, और पेज का उन्होंने कवर पिक्चर बनानी है और उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर भी बनानी है। तो जिन बच्चों को ये काम मैंने कहा था उनका ये काम हो गया, वह मुझे जल्दी से आप चैट बॉक्स में बताइए। मैं आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हम एड्स डिफरेंट वेज में रन कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम अपनी जो पोस्ट है ना, हर पोस्ट के नीचे एक ब्लू बटन शो हो रहा था बूस्ट पोस्ट का, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। आप बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करके अपनी ऐड की सेटिंग कर सकते हो, और यहाँ से आप अपनी ऐड को रन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऐड बूस्ट करना भी सिखाई थी और इसकी सेटिंग भी सिखाई थी, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आप वे है कि आप एक और तरीके से ऐड रन कर सकते हैं, वो आज मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उससे हम ऐड रन करना नहीं सीखेंगे बेसिकली, अभी उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। मीन्स के जो ऐड हम रन करते हैं ना, उसमें वो डिफरेंट चीजें हमसे मांगते हैं कि आप उन चीज़ों की डिटेल्स हमने फिलहाल देखनी है, ठीक है। हमें ये समझना है कि वो चीजें क्या हैं और हमने कौन सी चीज किस वक्त सिलेक्ट करनी है। तो पहले तो ये देखेंगे जो ऊपर ये 9 डॉट्स जो हो रहे हैं, इसे बर्गर मेन्यू कहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें और इसमें देखेंगे एड्स मैनेजर आ रहा है, ठीक है। एड्स मैनेजर पे क्लिक करें और हम यहाँ से अपनी एड्स को रन कर सकते हैं। सेकंड वे है ये, ठीक है। यहाँ से ना आप क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी एड बना सकते हैं। इसमें देखेंगे जो उन्होंने पूछा है कि चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यानी आप अपना ऑब्जेक्टिव चूज करें कि मतलब आपका मकसद क्या है अपनी एड को रन करने का, ठीक है। आप एड क्यों रन करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ से चूज करना। तो आज हम ये देखेंगे कि आपकी एड रन करने के कौन कौन से पर्पजेस हो सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, और आप कब कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए जो फर्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है अवेयरनेस, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। देखिए अब मैंने जब अवेयरनेस पे क्लिक किया ना, तो इन्होंने अवेयरनेस की डिटेल्स नीचे शो कर दी है कि अवेयरनेस में आप किस 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 ऑब्जेक्टिव यानी किस किस मकसद के तहत अपनी कैंपेन रन कर सकते। अब देखिए जब आपका न्यू ब्रांड है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो उस ब्रांड को सबसे पहले तो आपको लोगों को अवेयरनेस देना जरूरी है, उस ब्रांड के बारे में लोगों को बताना जरूरी है। इसमें हम डिफरेंट वेज में अवेयर कर सकते हैं लोगों को। सबसे पहले तो ये कि हम अपनी जो ऐड है ना उसकी रीच को इंक्रीज कर लें। रीच का मतलब होता है कि हम कितने लोगों तक अपनी ऐड को पहुंचा रहे हैं, ठीक है। कितने लोगों को हम अपनी एड्स दिखा रहे हैं, इतने ज्यादा लोगों को हम अपनी एड दिखाएंगे उतनी ज्यादा रीच होगी, इसके उतनी ज्यादा हमारी ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो रीच वाला ऑब्जेक्टिव है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने देखा होगा कि रोड साइड पे कुछ खड़े होते हैं और वो अपने ब्रांड के ब्रोशर्स या पंपलेट्स से होते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब वो ये नहीं देखते जो जो शख्स वो शख्स जिसको वो दे रहे हैं वो उनके ब्रांड में इंटरेस्टेड है, मतलब उस टाइप की चीज में इंटरेस्टेड है जिस टाइप की चीज वो सेल आउट कर रहे हैं या जिस टाइप की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, ठीक है। तो और ना ही वो ये देखते हैं कि उनका एज ग्रुप क्या है, कि बहुत ज्यादा ओल्ड पीपल है या बहुत यंग है या वो किस एज से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। मीन्स के वो जो ऑडियंस उस रोड से जा रहे हैं लोग, वो उनको ये देख कर ब्रोशर नहीं देते, सिलेक्टेड पीपल को नहीं देंगे बल्कि वो हर एक को देंगे, ठीक है। इसी तरह से रीच में भी ये होता है कि फेसबुक ये नहीं देखता कि कौन से लोग आपके जो जिस टाइप की आपका ब्रांड है उस टाइप के प्रोडक्ट्स में कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं, बल्कि फेसबुक हर किसी को आपकी जो प्रोडक्ट है उसका एड शो करवाता है, ठीक है। अब उनमें से कुछ लोग जो इंटरेस्टेड होंगे वो तो आपकी ब्रांड में देखेंगे उसको, आपकी वेबसाइट को ओपन करेंगे या आपके फेसबुक पेज को विजिट करेंगे, और कुछ जो है वो नहीं होंगे इंटरेस्टेड तो वो हो सकता है कि वो आपके देखे भी नहीं आपके फेसबुक पेज को, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो इसमें सेकंड थिंग है कि आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें ब्रांड अवेयरनेस है, ठीक है। इसमें आप कैसे करते हैं अवेयरनेस इंक्रीज? अच्छा पहले मुझे ये बताइए रीच का समझ आ गया आप लोगों को? यस मिस। अच्छा देखिए मैंने ना इसकी कुछ स्लाइड्स बनाई हुई है जिसमें मैंने ये सारा ना डिटेल में लिखा हुआ है, तो मैं आपको स्लाइड शो कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए समझना, ठीक है। साथ साथ मैं स्लाइड्स भी शो कर देती हूँ और साथ साथ मैं यहाँ से भी आपको दिखाती जाती हूँ कि कौन से ऑब्जेक्टिव के कोर्स कौन कौन से यहाँ पे उन्होंने शो कर रखी हुई है डिटेल्स, ठीक है। अभी हमने देखा था सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस, उसमें हमने रीच का देख लिया, वो मैंने आपको भी बता दिया कि रीच में क्या होता है कि मैक्सिमम ऑडियंस तक आपका जो ब्रांड है उसको एड को शो करवा देता है फेसबुक। अब वो मैक्सिमम यानी ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करता है फेसबुक, लेकिन वो ये किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को नहीं देखते एड शो नहीं करवाता, वो चाहे किसी भी जेंडर से किसी किसी भी एज ग्रुप से
रखती है, हर हर किसी को आपकी एड शो करवा देगा, ठीक है। अब जो सेकंड है ना इसमें, वो सेकंड मेथड ये है कि आप बजाय इसके कि हर किसी को अपनी एड शो करवाओ, आप अपनी एड सिर्फ उन लोगों को शो करवाओ जो कि आपके ब्रांड में जो प्रोडक्ट्स है ना, उस टाइप के प्रोडक्ट्स में वो पहले से इंटरेस्ट लेते हैं। मीन्स कि अगर आप विमेन क्लोथिंग सेल कर रहे हैं, तो वो लोग जो कि पहले से विमेन क्लोथिंग के पेजेस को विजिट कर रहे हैं, या फिर वो ऐसी वेबसाइट्स को ओपन करके देखते हैं जिस पे विमेन क्लोथिंग सेल आउट होती हैं, तो आप उन लोगों को अपनी एड शो करवाओ, ठीक है। तो ये सारी हमने सेटिंग खुद करनी होती है, हमने चूज करना होता है कि हम किस टाइप के मतलब अपनी एड में क्या करना चाह रहे हैं, हम रीच इंक्रीज करना चाह रहे हैं या ब्रांड अवेयरनेस जो है वो करना चाह रहे हैं उन लोगों को जो कि हमारी तरह के ब्रांड्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो ये सारी हम सेटिंग कैसे करेंगे ये मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी, करके भी देखेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं इनका मतलब क्या है और हम कब कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने ब्रांड अवेयरनेस में हमने वो वाले लोगों को अपनी एड शो करवानी है जो कि मतलब हमने तो जस्ट चूज करना है, और फेसबुक उन लोगों को वो एड शो करवाएगा जो आपके टाइप के ब्रांड्स में पहले से इंटरेस्टेड हैं, या आप जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें उस तरह की सर्विसेज पहले से लेते हैं या उस टाइप की सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं। तो वो फेसबुक को कैसे पता चलेगा, फेसबुक के पास हर एक जो फेसबुक पे लोग यूजर्स हैं उनकी ना हिस्ट्री पहले से सेव होती है, मतलब फेसबुक हर एक की हिस्ट्री को देख रहा होता है कि कौन सा शख्स किस टाइप के फेसबुक पेजेस को ज़्यादा विजिट करता है और किस तरह के फेसबुक पेजेस से वो ज़्यादा मतलब परचेजेस वगैरह भी कर रहा है, या फिर जस्ट उनको लाइक कर रहा है या कमेंट कर रहा है या शेयर कर रहा है उनकी पोस्ट को, ठीक है। तो इस हिस्ट्री के बेस के ऊपर फेसबुक हमारे एड्स को उस टाइप के ऑडियंस को शो करवा देता है जिस टाइप की हमने ऑब्जेक्टिव चूज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम अगर तो हम ये चाह रहे हैं ना कि जस्ट हमें रीच इंक्रीज करनी है अवेयरनेस के थ्रू, मतलब कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ब्रांड से अवेयर करना है, तो इसमें फेसबुक एक पर्सन को जस्ट एक मरतबा ही आपकी ऐड शो करवाएगा, मतलब कि एक शख्स सिर्फ एक मरतबा आपकी ऐड देखेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हो, तो यानी आप जो लोग आपके टाइप के ब्रांड्स में इंटरेस्टेड हैं जस्ट उनको ही ऐड शो होता, अब फेसबुक सिर्फ उस टाइप के लोगों को ऐड शो करवाएगा लेकिन एक से ज्यादा मरतबा शो करवाएगा, यानी हर एक शख्स को एक से ज्यादा मरतबा आपकी ऐड दिखाएगा। अब एक शख्स को कितनी मरतबा आपकी ऐड शो होती है इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ब्रांड अवेयरनेस में फ्रीक्वेंसी हाई होती है और मैक्सिमम एक शख्स को 2 मरतबा ऐड शो करता है फेसबुक, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 ही होगी, ठीक। अच्छा, अब ब्रांड जो हमने अवेयरनेस वाला ऑब्जेक्टिव देखा था ना, इसमें हमने एक तो देख लिया रीच, सेकेंड हमने देखा ब्रांड अवेयरनेस, और थर्ड होता है वीडियो व्यूज, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो व्यूज वाला एक मिनट दिखाती हूँ। यहाँ पे बस में हमने अवेयरनेस के ऊपर क्लिक किया हुआ है, अब यहाँ पे जो इसकी डिटेल्स आ रही है ना, यहाँ पे देखें वीडियो व्यूज भी शो हो रहा है, ये थर्ड नंबर वाला, ठीक है। तो अब वीडियो व्यूज अगर हम चाहते लेना चाहते हैं, मतलब शो वीडियोज के अपनी वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब अगर तो आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस अपनी वीडियो के थ्रू लोगों को देना चाह रहे हैं, तो ये बेस्ट मेथड है आपके ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज करने का, क्योंकि आजकल जो है ना लोग ज़्यादा से ज़्यादातर वीडियो जो कंटेंट है उसको देखते हैं और उसको कंज्यूम भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, और सेकेंडली कि आप अपना जो मैसेज है ना वो वीडियो के थ्रू ज़्यादा अच्छा कन्वे भी कर सकते हो। मीन्स कि आप बोल के अपना मैसेज ज़्यादा अच्छी तरह लोगों को बता दे सकते हो, बजाय इसके कि आप उसको रिटर्न फॉर्म में दो, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में जो मैसेज है वो लोग इतना ज़्यादा उसको लोगों के पास टाइम भी नहीं होता और लोग पढ़ते भी नहीं है इतना ज़्यादा नहीं है, और अगर आप बोल के दे रहे हो अपने वीडियो के फॉर्म में दे रहे हो तो लोग आप उसके थ्रू आपको भी जानेंगे और आप मतलब के उन्हें पता चलेगा कि आपके पास क्या नॉलेज है, आप क्या चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो आपके बारे में भी वो उनको मेमोराइज करेंगे कि मतलब आपको आपकी पर्सनैलिटी के थ्रू वो मेमोराइज कर लेंगे, आपके उनसे जज करेंगे आपके ब्रांड को या आपकी सर्विसेज को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वीडियो व्यूज के बाद स्टोर लोकेशन अवेयर, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैं स्लाइड शो आपको शो करती हूँ। अब ये देखिए कि फॉर एग्जांपल आपका फिजिकल स्टोर है, ठीक है। तो अब आप लोगों को अपने फिजिकल स्टोर के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, और स्टोर जैसे तहजीब बेकर्स पहले जस्ट इस्लामाबाद में होते थे तो लाहौर में नहीं थे, अब जैसे ही वो लाहौर में आए ना तो जगह जगह पे उन्होंने अपने बिल बोर्ड्स लगा दिए कि तहजीब बेकर्स इन लाहौर नाउ। वो अपने जो स्टोर था
उसको उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे ना कि स्टोर लोकेशन की अवेयरनेस वो प्रोवाइड कर रहे थे थ्रू बिलबोर्ड्स। ठीक है, तो अब हम जब ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने बिलबोर्ड्स तो नहीं लगाते ना, तो हम अपने स्टोर की लोकेशन की अवेयरनेस कैसे देंगे, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव को चूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर लोगों को आपके इस स्टोर लोकेशन अवेयरनेस की जो एड्स हैं, अब ये उन लोगों को ही वो शो करेगा जो जो ज्यादातर ये स्टोर्स की मतलब विजिट भी करते हैं, और फिर जब उनको वो शो लोगों को अवेयरनेस होगी इस चीज के बारे में कि आपका जो स्टोर है वो फिजिकल भी उसकी प्रेजेंस है, तो फिर वो उसको विजिट भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, अभी हमने जस्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है ना उसके जो सब ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हमने स्टडी किया है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस, ठीक है, और अवेयरनेस के जो सब ऑब्जेक्टिव थे उनमें रीच, ब्रांड अवेयरनेस, इसके अलावा वीडियो व्यूज थे। ठीक है, इनको हमने डिस्कस कर लिया, और वीडियो व्यूज के अलावा एक और फोर्थ था स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। यहाँ तक आप में से किसी को भी अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया या कुछ भी आपको लग रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, तो आप मेरे से पूछे चैट बॉक्स में, तो मैं उसको आपको और बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। और अगर क्लियर है तो मुझे क्लियर का मैसेज कर दें। ठीक है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे मुझसे। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं क्लियर है, और एक दो तो बच्चों ने अभी तक मुझे बताया रिप्लाई ही नहीं किया। आप लोग तो भी जल्दी से बता दें, फिर मैं नेक्स्ट चलती हूँ, अदरवाइज अगर क्वेश्चन है कोई तो आप क्लियर कर लें। स्टूडेंट्स देखें, अब हमने ये जो ब्रांड अवेयरनेस के जो फोर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो है ना ब्रांड अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक। अब हम ट्रैफिक पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, जो ट्रैफिक है ना इसके अंदर ये होता है कि आपने अपने जो स्टोर है या वेबसाइट या यूट्यूब चैनल एनीथिंग जिसके ऊपर आप अपने ट्रैफिक ट्रैफिक लेकर जाना चाहते हैं, मतलब जिस पे आप चाहते हैं कि ज्यादातर लोग उस चीज को विजिट करें। ठीक है, वहां पे आप अपनी ट्रैफिक को लेके जा सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है उस पर भी आप ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, मतलब लोग उसको विजिट करें। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी ट्रैफिक ला सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस करें, आपको कॉल्स पे भी ला सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको कॉल्स करें। तो ये ऑब्जेक्टिव आप तब चूज करेंगे जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पे ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में जो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे, इनकी भी मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई है ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो मैं वो स्लाइड्स को आपको शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। अच्छा देखिए, जब हम ट्रैफिक लेकर आते हैं ना किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पे, फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट पे या स्टोर पे, यूट्यूब चैनल पे या अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर ट्रैफिक ले आए हैं, मतलब फिर लोग उसके ऊपर क्लिक करके आ गए हैं, तो हमारा काम ये होता है उसके बाद कि हम लोगों को एक इम्प्रेस कर लें, इम्प्रेशन बिठा लें उनके ऊपर कि उनको अच्छे बेस्ट प्रोडक्ट शो करवाएं अपनी वेबसाइट या स्टोर पे, जिस भी चीज़ पे आप ट्रैफिक लाए हैं। बेस्ट प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, अगर तो आप कोई भी आम सी प्रोडक्ट लोगों को शो करवा रहे हैं जिसका उनको कोई फायदा नहीं है, तो आपको अपनी एड के ऊपर जो हमने पैसे लगाए हैं और लोगों को लेकर आए हैं आप अपनी वेबसाइट पे या अपने स्टोर पे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट लोगों को शो करवाते हैं जिससे उन्हें कोई फायदा भी हो और वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, तो फिर जो जब एक घंटा लोग आपकी वेबसाइट पे आ गए हैं और वो आपकी एक अच्छी प्रोडक्ट देख गए, और सेकंड चीज़ के उस प्रोडक्ट के हाई क्वालिटी इमेजेस आपने अपनी वेबसाइट पे लगा ली है। ठीक है, ऐसे इमेजेस ना हो के जो ब्लर से हैं और उनकी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, तो और लोग उसको देख के इम्प्रेस नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस या बहुत अच्छी वीडियोज अपने आपने प्रोडक्ट या फिर। चलिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, अब जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है ना, ये ट्रैफिक है। अब ये ट्रैफिक वाला जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें मैंने आपको बताया था, आपको ये स्लाइड शो हो रही है मेरी पावर। जो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने मैक्सिमम लोगों जो है ना, लोगों को अपनी वेबसाइट पे या अपने स्टोर या यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज, कहीं पे भी मैक्सिमम ऑडियंस को लेकर आना है। ठीक है, यानी हम मैक्सिमम ट्रैफिक किसी खास जगह पे लेके आना चाह रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब ऑडियंस है। ठीक है, तो आपने जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल कोई शख्स अपना एक न्यू रेस्टोरेंट बनाता है, ठीक है, तो वो अपने ज्यादा जो फ्रेंड्स हैं उन सबसे कहता है कि मेरे आज रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, आपने अपने सब जो फैमिली मेम्बर्स हैं या अपने फ्रेंड्स हैं उनको लेके आइएगा, आज मेरे ओपनिंग पे हम फ्री मील दे रहे हैं। ठीक है, तो अब उसने ये लोगों को अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे सबको बुलाया। अब ये जो लोग हैं, ये जो ऑडियंस है, उस ये सब जब उसके पास आएगी, तो अगर तो वो उनको अच्छा मील प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी मील प्रोवाइड करेगा, तो इन्हीं लोगों में से कुछ लोग उसके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। ठीक है, तो
तो अब ये जो उसने एक तरह से ये जो ऑडियंस उसके पास आ रही है ये उसके लिए ट्रैफिक कंसीडर हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने अपनी वेबसाइट स्टोर या यूट्यूब चैनल बनाया है या इंस्टाग्राम पेज बनाया है तो हम इसके ऊपर मैक्सिमम ऑडियंस को लेकर आएंगे, ठीक है। जब वो मैक्सिमम ऑडियंस आ जाएगी एक मरतबा तो उसके बाद हमारा काम क्या है कि जैसे उस शख्स ने अपने रेस्टोरेंट पे क्वालिटी मील प्रोवाइड किया ताकि लोग इम्प्रेस हों और नेक्स्ट टाइम वो रेगुलर कस्टमर बन जाए उसके, इसी तरह हमारा काम ये है कि हम अपने स्टोर पे वेबसाइट के ऊपर या फिर यूट्यूब चैनल पे या जिस भी चीज़ पे हम ट्रैफिक लेकर आए हैं ना वहाँ पे हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स शो करें, उन्हें बेस्ट प्रोडक्ट शो करें जिसमें ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें के लोगों का बेनिफिट शो उन्हें शो हो और उनके हाई क्वालिटी इमेजेस लगे हों और अच्छी वीडियोस बना के हमने लगाई हो, ठीक है। जितने हाई क्वालिटी इमेजेस या फिर अच्छी वीडियोस होंगी ना उतना ज़्यादा लोग इम्प्रेस होंगे और वो आप लोगों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज करेंगे, आप लोगों के रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना उनके अपने कम्पिटेटिव प्राइस देनी है, मीन्स कि आपके जो कम्पिटिटर्स हैं ना उनसे हाई प्राइस आपने नहीं रखनी, उनसे थोड़ी सी लो प्राइस होनी चाहिए तो फिर ही लोग ही दे देंगे, क्योंकि हर हर कोई जो है ना वो चाहता है कि उसको अच्छी प्रोडक्ट मिले और ज्यादा महंगी भी ना हो, नॉर्मल प्राइस में हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट की प्राइस इतनी लो कर दें कि लोग शक में मुब्तला हो जाएं कि पता नहीं इनकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी भी होगी कि नहीं, कि बहुत ही लो प्राइस में बेच रहे हैं, ठीक है। तो अपने कंपेटिटर्स को देख के आपने उस लिहाज से अपनी प्राइस को रखना है कि ना तो उनसे बहुत ज्यादा। इसके बाद ट्रैफिक के कुछ सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए ट्रैफिक के सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें एक फर्स्ट जो है ना सब ऑब्जेक्टिव वो है लिंक क्लिक। लिंक क्लिक क्या होता है कि आपने अपनी एड के अंदर जो लिंक दिया हुआ है ना उस लिंक के ऊपर जो अगर कोई शख्स क्लिक करता है तो उसको कहते हैं लिंक क्लिक, ठीक है। मतलब एक शख्स ने क्लिक किया तो 1 लिंक क्लिक और 2 लोगों ने क्लिक किया तो 2 लिंक क्लिक। जितने ज्यादा लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे उतने ज्यादा लिंक क्लिक्स हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो अगर तो आप ये चाहते हैं ना कि जो आप मतलब आपने ट्रैफिक लेकर आनी है ना आपने किसी भी चीज़ पे वेबसाइट पे स्टोर पे कहीं पे भी, तो आप उसका लिंक जो है ना अपने ऐड में लगाएंगे। अब जितने लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे उतने हम लिंक क्लिक्स काउंट होंगे, मतलब हम अपनी ट्रैफिक कहाँ पे लेके आ रहे हैं उन लिंक्स के ऊपर, ठीक। अब देखिए कि अगर तो आपकी किसी ने भी उस लिंक के ऊपर क्लिक किया ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 पीपल हैं जिन्होंने आपके लिंक के ऊपर क्लिक किया, लेकिन इसका मतलब 100 वेबसाइट विजिट्स नहीं होंगे। अगर आपने एक वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है ना तो 100 अगर लोग हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया है, वेबसाइट के लिंक पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उन 100 के 100 ने आपकी वेबसाइट विजिट भी की है। अगर तो उन फॉर एग्जाम्पल आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो है, उन्होंने क्लिक किया वो ओपन ही नहीं हुई जल्दी, तो उसमें से जो मैक्सिमम लोग हैं वो तो ड्रॉप हो जाएंगे दरमियान में, वो नहीं देखेंगे आपकी वेबसाइट को, इतना वेट कोई नहीं करेगा, ठीक है। और सेकेंडली अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड तो अच्छी है लेकिन जो आप क्लिक कर रहा है उसके इंटरनेट की स्पीड बहुत कम स्लो है, तो उसकी इंटरनेट की वजह से उसकी वो वेबसाइट जो है ना वो ओपन नहीं होगी जल्दी, तो फिर वो भी ड्रॉप हो जाएगा, मीन्स कि वो भी नहीं ओपन करके देखेगा आपकी वेबसाइट को। तो जितने ज्यादा लिंक लिंक्स होंगे लिंक क्लिक्स हो उसका मतलब ये नहीं कि उतने ही ज्यादा वेबसाइट विजिट्स भी हैं, ठीक है। तो अगर सेकंड जो है ना हम इसमें लैंडिंग पेज व्यूज भी ट्रैफिक में ला सकते हैं, मीन्स कि हम लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझे फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या लैंडिंग पेज व्यूज क्या होते हैं, ठीक। आपने अपनी वेबसाइट अपनी एड में ना जो सा भी लिंक लगाया हुआ है जिस भी चीज का है, चाहे वो वेबसाइट का या स्टोर या यूट्यूब चैनल का या इंस्टाग्राम का, जिस भी चीज का लिंक है ना उसके ऊपर उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपकी ऑडियंस जहाँ पे लैंड करेगी ना, यानी जिस चीज के जो चीज ओपन होगी और उसके ऊपर वो आपकी ऑडियंस लैंड करेगी, मीन्स उस चीज के ऊपर जाके से देखेगी वो लैंडिंग पेज होगा उसका, ठीक है। वो लैंडिंग पेज अगर तो आपकी आपने वेबसाइट का लिंक लगाया तो वो लैंडिंग पेज क्या होगा, वेबसाइट। और अगर आपने यूट्यूब चैनल का लिंक लगाया तो लैंडिंग पेज उसका आपका यूट्यूब चैनल हो जाएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम का लिंक लगाया तो लैंडिंग पेज क्या होगा, आप लोग बताइए मुझे चैट बॉक्स में। इंस्टाग्राम होगा। जी इंस्टाग्राम का पेज होगा, ठीक है। तो जिस भी चीज का लिंक अपने ऐड के अंदर लगाया हुआ है ना तो उस चीज का उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो शख्स उसी चीज पे लैंड होगा, जाहिर है, तो वही आपका लैंडिंग पेज है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लैंडिंग पेज व्यूज लेकर आए, मतलब आपकी जो ट्रैफिक है वो ज्यादा से ज्यादा आपके लैंडिंग पेज पे जाए, तो फिर आप ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। अच्छा मैंने जैसे आपको बताया कि जितने ज्यादा लिंक क्लिक्स हैं मतलब जितने ज्यादा लोगों ने क्लिक किया लिंक के ऊपर, जरूरी नहीं वो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर गए भी हैं, उन्होंने विजिट भी किया है,
तो वो तो लिंक लिंक्स वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये लैंडिंग पेज वाला है, तो लैंडिंग पेज में वो उतने लैंडिंग पेज व्यूज काउंट करता है जितने लोगों ने वो लैंडिंग पेज को मतलब वो उनका पेज ओपन हुआ और उन्होंने वो देखा भी है। ठीक है, मीन्स ये नहीं कि जस्ट उन्होंने क्लिक किया था और दरमियान में चाहे वो ड्रॉप हो गए, बल्कि ये कि उनका लोड भी हुआ और उन्होंने उसको देखा भी, तो वो उतने व्यूज जो है ना फेसबुक काउंट करता है और उतने उसी लिहाज से हमें चार्ज भी करता है। मतलब अगर हम लिंक अगर हम लोग लिंक क्लिक्स को चूज करते हैं ना, तो जितने ज्यादा लिंक क्लिक्स आते हैं उतने ज्यादा फेसबुक हमें चार्ज करेगा। मतलब जितने ज्यादा लोगों ने क्लिक किया, चाहे वो हमारे वेबसाइट वगैरह पे नहीं भी गए, लैंड नहीं भी हुए, वो भी फेसबुक हमें चार्ज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने लैंडिंग पेज व्यूज पे क्लिक किया है, तो लोगों ने क्लिक तो किया लेकिन वो लोग उस पर लैंड नहीं किए, फिर फेसबुक हमें चार्ज नहीं करेगा, हमसे पैसे नहीं लेगा उस पे उस क्लिक के। ठीक है, वो वाला क्लिक जिसमें के लोगों ने क्लिक भी किया और वो लैंडिंग पेज पे गए भी, उन्होंने देखा भी, तो फिर उस वाले क्लिक के हमसे पैसे लेगा फेसबुक। अच्छा, अब देखें इसको जो थर्ड सब ऑब्जेक्टिव है ना, वो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैफिक है वो आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे आए, मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करें ना, तो फिर आपने ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज करना है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा लोग आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट करेंगे उतना ही फेसबुक आपको। अच्छा, और इसके फोर्थ जो सब ऑब्जेक्टिव वो है मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। इसमें देखें कि जो लोग वो लोग जो जो मतलब फेसबुक ये देखता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो व्हाट्सएप वगैरह पे ज्यादा मैसेजेस करके पूछते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। फेसबुक तो लोगों के बिहेवियर्स को देख रहा होता है ना, तो जिनका ये बिहेवियर है कि वो मैसेंजर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के पर मैसेजेस करते हैं और लोगों के से उनके ब्रांड के बारे में या उनकी सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस लेते हैं, फेसबुक उनको आपके ऐड शो करवाएगा। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है कि अब जो ट्रैफिक है वो कहाँ पे आएगी, अब आपके व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे आएगी। ठीक है, और जो ट्रैफिक होता है ना, आप देखिए ये जो मैसेंजर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाला गोल है ना, सब गोल ये ट्रैफिक में भी आ रहा है, इसके अलावा ना ये सेल्स में भी आएगा। ये देखें सेल्स में भी यही आ रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये दो जगह पे क्यों है? इसमें इसकी वजह ये है कि ये जो ट्रैफिक वाला गोल है, इसमें तो वो सबको ही दिखा देगा आपकी एड, चाहे तो उन्होंने आपसे कोई चीज परचेज करनी है या नहीं। मतलब वो लोग जो कि इस आपके ब्रांड के टाइप की चीजें परचेज करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनका बिहेवियर ये है कि वो मैसेज मैसेंजर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके ना इंफॉर्मेशन गेट करते हैं चीजों के बारे में, तो फेसबुक उन सबको ही आपकी एड शो करवाएगा और फिर आपकी मतलब आप ट्रैफिक उन सबके थ्रू आपके मैसेंजर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आएगी। लेकिन जो सेल्स वाला ना, इसमें ऑडियंस चेंज होती है, मतलब उसने जो एड जिन लोगों को शो करवानी है ना, वो लोग होंगे जिनका बिहेवियर ये है कि वो मैसेंजर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के मैसेज करके चीजों को बाय करते हैं। ठीक है, यानी जिनका बाइंग बिहेवियर है ना, वो लोग उनको ही यहाँ पे आपकी एड शो करवाई जाएगी। तो इसलिए ये जो सेल्स की एड होती है ना, वो थोड़ी सी महंगी भी होती है बाकी एड्स की नस्बत, क्योंकि इसमें सेल्स आती हैं और ये शो भी उन लोगों को ही करवाई जाती करवाता है फेसबुक जिनका मतलब बाइंग बिहेवियर है, जो कि ज्यादातर परचेज कर रहे हैं चीजों को। ठीक, तो अभी हम तो ट्रैफिक पे थे, बाकी सेल्स पे दोबारा आएंगे तो फिर मैं आपको बाकी इसकी सब कैटेगरीज बताऊंगी बाकी की। फिलहाल पहले हम ट्रैफिक को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है कॉल्स। यानी अपने ऑब्जेक्टिव अपनी ट्रैफिक कहाँ पे लानी है, कॉल्स पे। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आपको कॉल करके आपसे इन्फॉर्मेशन लें आपके ब्रांड के बारे में या फिर आपकी सर्विसेज के बारे में। अब देखिए आपको ट्रैफिक मैसेंजर या कॉल्स वगैरह पे लाने का फायदा क्या होगा, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब यहाँ पे आएंगे वो आपके बारे में जानेंगे, आपके ब्रांड के बारे में या आपकी सर्विसेज के बारे में आपसे पूछेंगे ना, तो इनमें से कुछ अगर तो कुछ लोग इम्प्रेस भी हो जाएंगे और वो आपसे जो इम्प्रेस होने के बाद आपसे आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज बाय भी करेंगे। ठीक है, आपको क्लियर है? ये एक स्टूडेंट ने नहीं मुझे बताया, जस्ट ये अब्दुल अहद, आपको क्लियर है बेटा? अच्छा, अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ना, ये है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का क्या मतलब होता है, ये मैंने आप लोग को बहुत महत्व बताया है, अभी आप लोग मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में इंगेजमेंट क्या होता है, फिर मैं इसके सब ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूंगी। जल्दी से बताइए मुझे इंगेजमेंट का मतलब क्या है। प्रोफाइल में पोस्ट लाइक पोस्ट पे लाइक्स व्यूज और कमेंट्स और फॉलोअर्स जो होते हैं उसे एंगेजमेंट्स कहते हैं। जी, इंगेजमेंट का मतलब ये है कि इंगेज का मतलब बेसिकली होता है बिजी होना किसी काम में। ठीक है, तो यहाँ पे इंगेजमेंट का मतलब कि आपने
लोगों से ज्यादा मैसेज, मतलब मैसेजेस लेके आना, लोग मैसेजेस में इंगेज हो जाएं, या फिर वीडियो वीडियो व्यूज में इंगेज हो, यानी आपकी वीडियो को देखने में, या पोस्ट को पोस्ट के ऊपर वो इंगेज हो, यानी पोस्ट को लाइक करें, उसको शेयर करें या उसके ऊपर कमेंट करें, ठीक है। इसके अलावा आपके पेज को लाइक करें, इस तरह के जो काम है ना, तो उनके लिए आपने इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव चूज करना है, ठीक है। अब इसके भी कुछ सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो ये है मैसेंजर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। अच्छा, मैं इसकी स्लाइड्स पे अब चलती हूँ, एक मिनट। देखिए, इंगेजमेंट में मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इस गोल का क्या मकसद है कि इन दिस गोल मैसेजेस आर जनरेटेड बाय दैट टारगेट ऑडियंस हु हैव द चांसेस टू इंगेज इन योर कंटेंट। यानी यहाँ पे हमने इंगेजमेंट लेकर आनी है ना, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसको लोग मतलब जिन लोगों का ये इंटेंट है ना कि वो लोग आपकी टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपकी टाइप की जो सर्विसेज हैं, उनको उनके जो पेजेस हैं उनके ऊपर वो इंगेज भी होते हैं, मतलब उनको लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं या फिर उनके ऊपर कमेंट करते हैं, और वो उन पेजेस पे मैसेजेस भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे। उनको आपकी एड शो करवाई जाएगी ताकि वो लोग आपको मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो वीडियो व्यूज है ना, अच्छा इसमें पहले हमने ना ट्रैफिक में भी देखा था एक गोल, ट्रैफिक में भी ये मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप देखा था ना, और अभी इंगेजमेंट में भी आ रहा है मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि ट्रैफिक में ना वो सब सब लोगों को, यानी एक जो ब्रॉड ऑडियंस है ना उनको शो करवाता है आपकी जो एड है, चाहे वो लोग आपकी टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज है उनमें इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं होते, मीन्स के वो लोग आपकी इस तरह की प्रोडक्ट्स वाले पेजेस को या सर्विसेज वाले, इस तरह के सर्विसेज वाले पेजेस को लाइक करते हैं या नहीं करते, हर एक को वो दिखा देगा। अब उनमें से कुछ लोग होंगे जो कि इसमें इंटरेस्टेड होंगे आपकी प्रोडक्ट में या सर्विसेज में, तो वो आपको इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या फिर और मैसेज करके आपके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, ठीक है। तो जब उस इन्फॉर्मेशन के अगर तो वो उनको अच्छी लगेगी और ट्रैक करेगी तो वो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे बाय करने में, इसको आपसे आपकी सेल्स जनरेट हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं अच्छी लगेगी तो वो नहीं होंगे कन्वर्ट। लेकिन मतलब वो ब्रॉड ऑडियंस को उसने टारगेट किया है, चाहे वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, सबको कर दिया टारगेट। लेकिन जब ये इंगेजमेंट वाले में मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप वाला ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो ये इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ उन लोगों को टारगेट करता है फेसबुक जो कि आपकी टाइप की प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज में पहले से भी इंटरेस्ट लेते हैं, यानी उस टाइप के पेजेस को वो पहले से भी देखते हैं, उनको लाइक करते हैं या फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन स्पेसिफिक जो ऑडियंस है ना उसको वो शो करेगा, तो उनके थ्रू यहाँ पे मैसेजेस आपको आएंगे व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे, तो उनके कन्वर्ट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, मीन्स वो लोग पहले से इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपके पास चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं कि वो भी वो बाय करें आपसे आपकी प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस, ठीक है। अच्छा, ये मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का ऑब्जेक्टिव 3 जगह पे है। एक तो पहले हमने इससे पहले देखा है ट्रैफिक वाले गोल में, सेकंड इंगेजमेंट में, और थर्ड सेल्स वाले में। मैंने तीनों में आपको डिफरेंस बता दिया, ये क्लियर है आपको इसका डिफरेंस? यस मिस। अच्छा, अब मैं आप लोग मुझे बताएं, ये जो मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का जो गोल है ना, अगर तो ये सेल्स में हो तो उसमें मतलब सेल्स वाले में होने से और इंगेजमेंट वाले में होने से, दोनों में होने से क्या डिफरेंस होगा? सेल्स में उन सिर्फ उन लोगों के पास जाएगा जो प्रोडक्ट्स को परचेज भी करते हैं, बाइंग जो ठीक बाइंग है। करते हैं, मगर जो और जो एंगेजमेंट्स वाले हैं वो सिर्फ उसको होगा जिनको जो इन चीजों को देखते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और बात बात मतलब भी लाइक करते हैं या करते फॉलो करते हैं इस तरह के पेजेस को, ठीक है। हैं। तो यहाँ पे ये बस इसमें डिफरेंस है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना इंगेजमेंट का एक और सब ऑब्जेक्टिव है वीडियो व्यूज, यानी आप चाहते हैं कि इंगेजमेंट, पहले तो आप हम अपने व्हाट्सएप वगैरह पे या मैसेंजर पे ला रहे थे, अब हम इंगेजमेंट कहाँ पे चाहते हैं कि लोग किस चीज़ में इंगेज हो, हमारी वीडियो को देखने में, ठीक है। तो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे तो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे ना, पहचानना शुरू करेंगे कि ये भी कोई शख्स है जो ये काम कर रहा है, अदरवाइज पहले तो आपको कोई जानता ही नहीं होगा। जब आपकी वीडियो को लोग बार बार देखेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी से थोड़ा सा इम्प्रेस होंगे और आपके प्रोडक्ट से भी इम्प्रेस होंगे, तो फिर वो आपको भी मेमोराइज करेंगे और आपको पहचानना शुरू करेंगे, और ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है, इस तरह से आपकी ऑडियंस बिल्ड होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और थर्ड जो सब ऑब्जेक्टिव है वो है पोस्ट इंगेजमेंट, यानी आपने इंगेजमेंट अपनी पोस्ट के ऊपर लेकर आनी है,
यानी आपकी जो पोस्ट है उसके ऊपर हमने लाइक्स या फॉलोइंग्स लाइक्स या फिर कमेंट्स इंक्रीज करवाना है या शेयर्स इंक्रीज करवाना है, ठीक है। तो ये जो पोस्ट इंगेजमेंट है ना, ये बहुत अहम है कि ये आपके लिए एक सोशल प्रूफ का काम कर रहा होता है। मीन्स के आप ये देखें कि जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, अब वहाँ पे सिर्फ एक दो लोग बैठे हुए हैं और बाहर गाड़ियां भी इतनी ज्यादा नहीं, एक आधी गाड़ी बाहर का पार्क हुई है और अंदर भी जस्ट एक दो लोग बैठे हैं। अभी हमने वहां से खाना नहीं खाया, वहां से बाहर आ गया, वहां से करीब किसी और रेस्टोरेंट में गए और उसके बाहर हमने देखा पार्किंग में गाड़ियों की लाइन लगी, अंदर गए तो अंदर इतने ज्यादा लोग बैठे हुए खाना खाने, तो उनको देख के ही आप जज कर लेंगे कि यहाँ का खाना तो बहुत अच्छा है ना। तो मतलब कि उन लोगों को देख, मतलब जब वहां पे वो एक रश है उसको देख के आप लोग जज करते हो। तो ये जो रश है उस जगह के लिए एक प्रूफ होता है कि ये जगह जो है अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये अच्छी प्रोडक्ट दे रही है लोगों को। इसी तरह से अगर तो आपकी जो एड है ना, उस एड के नीचे बहुत ज्यादा लाइक्स आए हुए हैं या कमेंट्स आए हुए हैं ना, तो लोग ये कंसीडर करेंगे कि आप बहुत अच्छी चीज दे रहे हैं, लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, एक मिनट रुक। जो एड है ना, एड भी एक पोस्ट पे लगती है ना, तो अगर उस एड के नीचे बहुत ज्यादा सारे कमेंट्स आए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 1000 कमेंट्स आए हैं, 50 शेयर्स हैं और 2000 लाइक्स हैं, तो इसको देख के जो भी शख्स आपके ऐड देखेगा वो उसको ये लगेगा कि आप बहुत अच्छी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या बहुत अच्छी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, ठीक। तो इससे लोग इम्प्रेस होंगे, तो ये लोगों के लिए एक सोशल प्रूफ होगा, तो वो लोग आपके आपकी प्रोडक्ट्स बाय करने में भी कन्वर्जेंस भी ला सकते हैं इंगेजमेंट वाले ऑब्जेक्टिव में। यानी इसमें उन लोगों को आपकी एड शो करवाई जाएगी जो कि इस तरह की प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड भी हैं और जो इस तरह की चीजों को बाय भी करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट है ना, इसके बाद सब ऑब्जेक्टिव वो है कॉल्स का। मीन्स के ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इंगेज हों कॉल्स के थ्रू, मतलब आपके वो कॉल्स करें, कॉल करके आपको आपसे इंफॉर्मेशन लें, और फिर इनमें से जो जब वो लोग इंफॉर्मेशन लेंगे तो फिर उसमें से कुछ लोग जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके बायर से। अब हमने जो तीन मेन ऑब्जेक्टिव थे वो हमने स्टडी कर लिए हैं। पहला जो था वो हमारा था अवेयरनेस का, उसके बाद हमने ट्रैफिक भी रीड कर समझ लिया, उसके बाद इंगेजमेंट भी, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ है ना वो, अच्छा जो लीड्स है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लीड्स होता क्या है। किसी बच्चे को याद है कि लीड्स क्या होता है? जी, अगर नहीं याद तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, लीड्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था जैसे कुछ हाई टिकट आइटम्स होती है ना जो ज्यादा महंगी होती हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली सेल्स जनरेट नहीं होती, डायरेक्टली कोई आपको मैसेज करके ये नहीं कहेगा कि मुझे ये चीज दे दें, मतलब उसके बाद में लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको खुद देखेंगे तो ही वो चीज लेंगे, ठीक है। तो वो जस्ट वेबसाइट के थ्रू या फिर आपके ऐड के थ्रू डायरेक्टली वो चीज नहीं सेल हो सकती। जैसे मैंने आपको बताया था रियल स्टेट बिजनेस होता है ना, जिसमें ये होता है कि लोग अपने प्लॉट सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर कोई 5 मरला या 10 मरले का प्लॉट जो है जस्ट उसकी पिक्चर्स लगा दे या वीडियो लगा दे, तो उनको देख के कोई शख्स नहीं कहेगा कि मुझे दे दें आप ये, मुझे तो पिक्चर से ही अच्छा लग रहा है, जब तक कि वो उसको खुद से विजिट ना करें, ठीक है। तो उसके लिए ये लीड्स वाला ऑब्जेक्टिव यूज होता है। इसमें फिर वो एक जैसे कोई आपकी एड के ऊपर क्लिक करता है ना, तो उसको एक फॉर्म शो होता है, ठीक है। उस फॉर्म के ऊपर या उस फॉर्म के अंदर ना डाटा लिया जाता है उनसे, उनका नेम, उनकी ईमेल एड्रेस या फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर उस डाटा के ऊपर उनसे कॉन्टैक्ट करके बात की जाती है कि हम ये वाला प्लॉट जो है सेल करें, आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, मतलब इतने मरले का प्लॉट है, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर तो वो होंगे तो उनको टाइम दिया जाएगा, वो फिर विजिट करेंगे और उसके बाद वो अब फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं जिन्होंने आपका अपना डाटा दिया है फॉर्म्स के थ्रू, हमने उन सबको कॉल कर ली, ठीक है। अब उन 100 में से 10 जो है वो विजिट करेंगे आके, और उन 10 में से कोई एक या दो जो है वो परचेज भी कर लेंगे, ठीक। तो अब ना मीटिंग लीव होने लगी है, जस्ट 1 मिनट रहता है फिर मैं आपको न्यू लिंक। जी, हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है लीड्स, ठीक है। लीड्स में क्या होता है कि जो आपके हाई टिकट आइटम्स हैं, मतलब जो महंगी चीजें हैं बहुत ज्यादा, जो लोग बगैर उसको इन्वेस्टिगेट किए बगैर नहीं खरीदते, उसके बारे में जाने बगैर, उसे देखे बगैर नहीं खरीदते, उनके लिए हम लीड्स के का ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। अब लीड्स के ऑब्जेक्टिव में कुछ सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म क्या होता है कि जैसे ही हमने अपनी एड के ऊपर किसी शख्स ने क्लिक किया ना,
तो उसको एक फॉर्म ओपन हो जाता है उसके सामने, उस फॉर्म के ऊपर ना उस शख्स से उसका डाटा मांगा होता है, उसका नेम, उसका फोन नंबर, नहीं उसका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर और ईमेल एड्रेस, ये तीन वो चीजें उससे मांगी जाती हैं। तो जब वो ये चीजें लिख के फॉर्म सबमिट कर देता है तो हम उसका डाटा हमारे पास आ जाता है कि वो, और जाहिर है कि वो फॉर्म तो वही शख्स ही फिल करेगा जिसको आपकी उस सर्विस में इंटरेस्ट होगा, वरना किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना फॉर्म फिल करे, और हर कोई अपनी जो पर्सनल कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर भी नहीं करता। तो ये इसलिए जो लीड वाली जो कैंपेन है ना, इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो ऑथेंटिक ही होती है कि वो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ही वो उन्होंने फॉर्म फिल किया है। और ये जो लीड्स आ रही होती हैं ये हमें थोड़ी सी मतलब बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी नस्बत थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है। मीन्स के अगर आपके पास 10 लोगों का डाटा आया है तो हो सकता है कि जो एक शख्स का जो डाटा है वो आपको 50 रुपीज़ में पड़े, मीन्स के 50 रुपये 50 रुपीज़ वो एक शख्स के फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करने के फेसबुक ने आपसे लिए। ठीक, तो ये डिफरेंट टाइम जब हम एड्स रन करते हैं ना तो समटाइम्स ये मतलब हमें जो लीड्स है ना वो कम पैसों की पड़ती हैं और समटाइम्स ज़्यादा पैसों की पड़ती हैं, ये डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। अगर तो आपको ज़्यादा लीड्स आ रही हैं तो फिर वो सस्ती पड़ेंगी, और अगर कम आ रही है ना तो फिर वो महंगी। जी ये देखें, अब जब एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपने अपना इंस्टेंट फॉर्म बनाना होता है ना, जो हम अपनी ऐड के ऊपर क्लिक करने से किसी को शो करवाएंगे, वो फॉर्म हमने खुद उसके अंदर लिखना होता, मतलब सिलेक्ट करना होता है कि हम क्या क्या डाटा अपने कस्टमर से लेंगे, अपने ऑडियंस से लेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने जितना हो सके कम डाटा रखना है, ये नहीं बस आप नेम, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर ले लें तो ये इन्फॉर्मेशन उसे कॉन्टैक्ट करने के लिए काफ़ी है। अगर इस बजाय इसके कि आप उसका फादर नेम, उसका सिटी और कंट्री, इतनी सारी चीज़ें पूछने बैठ जाए, इतनी चीज़ें अगर आप मांगेंगे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा, वो इंटरेस्टेड भी होगा ना आपकी सर्विस में तो भी वो आपका फॉर्म फिल नहीं करेगा। तो आपने जितना हो सके कम डाटा अपने फॉर्म में फिल करवाना है। तो एक तो नेम, ईमेल और फोन नंबर तो मस्ट है कि आप ये उनसे ले लें। इसके अलावा अगर तो आप जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस है तो उसे ये पूछ सकते हैं कि वो किस तरह की प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड हैं, यानी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उन्हें चाहिए या कमर्शियल एरिया प्रॉपर्टी चाहिए, यानी वो रहने के लिए जगह चाहते हैं या फिर अपने शॉप वगैरह बनाने के लिए। और एक चीज़ आप ये पूछ सकते हैं कि वो कितने मरले के प्लॉट में इंटरेस्टेड हैं, 5 मरले के, 10 मरले के या एक केनाल वगैरह के, ताकि जब आपके पास एक मतलब इंफॉर्मेशन आ जाए तो अगर आपके पास 10 मरले का किसी ने कहा है कि वो 10 मरले को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो आपके पास 10 मरले के प्लॉट हो, तो आप उन स्पेसिफिक लोगों को कॉल करके पूछ लें कि जैसे आप हमारे पास 10 मरले का प्लॉट है तो आपने फॉर्म फिल किया था तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं इसमें। तो अगर वो कहें कि हाँ जी हम इंटरेस्टेड हैं तो अब फिर आप उनसे बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि ये हमारा प्लॉट इस जगह पे, आप आके विजिट कर लें। तो अगर आपने 100 लोगों का डाटा आपके पास है तो आपने उनमें सबको कॉल की तो उनमें से 10 लोग आके विजिट करेंगे, क्योंकि हर कोई नहीं आएगा विजिट करने ना, कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा दूर रहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, हर कोई विजिट कर नहीं रहता, कुछ लोगों ने ऐसे ही फॉर्म भी फिल कर दिए होते हैं। तो उनमें से 10 विजिट करेंगे तो उनमें से एक या दो जो है वो बाय भी कर लेंगे। तो इसके अलावा ना रियल एस्टेट के अलावा ट्रैवल एजेंसी वाले भी अपनी जब एड्स रन करते हैं तो वो भी ये लीड्स का ही ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, क्योंकि जब ट्रैवल एजेंसी से किसी ने भी वीज़ा लगवाना होता है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन उनको इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू देगा। अब वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही लोग देंगे जो कि असल वाकई में वीज़ा लगवाना चाहते हैं, जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं उनकी सर्विस में। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं ना कि क्यों हमने डाटा ही लेना ना लोगों से, तो हम इस यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि हम मैसेजेस की कैंपेन चला लें कि लोग व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर लें, हमसे बात कर लें और हम उनको सर्विसेज दे दें। लेकिन असल में जो ट्रेवल एजेंसी वाले होते हैं, ये बड़ी एजेंसीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर किसी से बात करें, हर तो ये चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ वो ही लोग आए जो असल में इंटरेस्टेड हैं। तो इसलिए ये फिर इस तरह की जो है ना लीड लीड वाला ऑब्जेक्टिव चूज कर लेते हैं कि इसमें फॉर्म वही फिल करेगा जो इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि हर किसी के पास टाइम तो होता नहीं फॉर्म फिल करने का, तो जिसके पास जो इंटरेस्टेड होगा वही फिल करेगा फॉर्म। तो फिर इस तरह से उनके पास जो है ना मतलब क्वालिटी लीड्स आ जाती हैं कि जो कन्वर्ट होने का चांसेस भी ज्यादा। लीड के भी सब ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, एक मिनट मैं आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी फेसबुक की, वहां से बताती हूँ। ये देखिए लीड्स का एक सब ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट वाला है ना वो इंस्टेंट फॉर्म है,
ये मैंने आपको बताया ना कि फॉर्म आज जब भी आपके एड पे ऊपर कोई क्लिक करेगा उसे एक फॉर्म फिल होगा, फॉर्म शो होगा, जिसके थ्रू वो आप ऑडियंस से उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा, देखिए अब यहाँ पे ना जब किसी भी ऑब्जेक्टिव के उस राइट साइड पे आई के ऊपर लिखा हुआ ना, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन, इस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने। तो इसके ऊपर हमने जस्ट अपना या एरो मतलब कर्सर लेकर आना है, तो हमें पता चल ऊपर ये इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। अब ये इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर इसने लिखा हुआ है कि फाइंड पीपल हु आर विलिंग टू शेयर देयर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर डिटेल्स बाय फिलिंग अ फॉर्म। यानी यहाँ पे ये एड उन लोगों को दिखाता है फेसबुक जो कि अपने किसी फॉर्म को फिल करके अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देने पे रजामंद होते हैं। मतलब कि वो लोगों का बिहेवियर ही होगा ना कि वो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं या इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनके लिए पहले से भी वो फॉर्म फिल करते होंगे, तो फिर फेसबुक उनको ही आपकी ऐड शो करवाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो सेकंड सब ऑब्जेक्टिव है वो है मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम। अब यहाँ पे फेसबुक उन लोगों को आपकी ऐड शो करवाएगा जो कि अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मैसेंजर या फिर व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करने में विलिंग होते हैं। यानी वो मैसेंजर या इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है। अच्छा, और थर्ड ऑब्जेक्टिव, इसका सब ऑब्जेक्टिव है कन्वर्सेशन, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे ये है। अच्छा, मेनली कन्वर्जन का मतलब होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है ना, जैसे अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सेल्स ज्यादा आए, तो अगर तो कस्टमर जो है वो आपसे बाय कर लेता है, तो वो मतलब एक शख्स ने बाय किया तो वो एक कन्वर्जन होगी, दो ने किया तो दो कन्वर्जन, यानी कितने लोग उस कन्वर्ट हुए हैं उस चीज में जो कि आपका ऑब्जेक्टिव था। अब यहाँ पे हर जगह पे आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सेल का ही नहीं होता, समटाइम आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो डाटा गैदर करने का भी होता है। ठीक है। तो अगर आपके पास एक लीड आ जाएगी तो वो एक कन्वर्जन होगी, दो लीड आएंगी तो वो दो कन्वर्जन होगी। मतलब जितने ज्यादा लोगों के आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही ना, वो उतनी ज्यादा कन्वर्जन कंसिडर होंगी यहाँ पे। और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास किस फॉर्म में आती है, जब भी हम लोग लीड्स की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन या तो इन्फॉर्मेशन जो होती है हमें फॉर्म्स की सूरत में फॉर्म फिल करके चाहिए, या हम यानी हम चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ही फिल करे और हमें इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए, या फिर कोई एप्लीकेशन के फॉर्म में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये उन लोगों को टारगेट करेगा जो कि जिनका ये बिहेवियर है कि वो अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू, या फिर किसी भी वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और उस एप्लीकेशन में वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है। ये कन्वर्जन वाला ऑब्जेक्टिव समझ आ गया। यस मिस। ओके, अब जो इसका लास्ट सब ऑब्जेक्टिव है वो है कॉल्स। अच्छा, यहाँ पे ये उन लोगों की को आपकी एड शो करवाएगा जो कि आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हों और इस तरह के बिजनेसेस में वो कॉल्स के जरिए भी कॉल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हों। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन में क्या होता है कि जब कुछ लोग कुछ भी सेल कर रहे होते हैं ना, तो वो अपनी एप्स भी बना लेते हैं। जैसे आप देखोगे मरकज ऐप है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें वो सेल कर रहे होते हैं। इसके अलावा दराज की भी ऐप है, मतलब डिफरेंट जो सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी अपनी एप्स हैं। तो जब वो अपनी नई नई ऐप बनाते हैं तो उन्होंने उस ऐप को प्रमोट भी करना होता है, क्योंकि खाली ऐप बना लेना कोई बड़ा काम नहीं है। मेन काम तो ये है ना कि उसको प्रमोट किया जाए, जितने ज्यादा लोग उसको ऐप को इंस्टॉल करेंगे उतना ज्यादा उनको फायदा होगा कि उस ऐप के थ्रू वो लोग परचेज करेंगे। तो अब अगर किसी की न्यू ऐप है, उसने नई ऐप बनाई है, तो उसने उसको प्रमोट भी करना है ना, तो वो अपनी जो है ना एड के थ्रू प्रमोशन करेगा। तो अपनी ऐप की एड वो उन लोगों को दिखाएगा जिनका ये बिहेवियर है कि वो पहले से ही इस टाइप की एप्स को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। या उन्होंने की हुई है इस तरह की एप्स को इंस्टॉल, या वो करते हैं इस तरह की एप्स को इंस्टॉल। ठीक है। तो अब इसके दो सब ऑब्जेक्टिव है, एक तो है ऐप इंस्टॉल और दूसरा है ऐप इवेंट्स। ठीक है। ऐप इंस्टॉल में उन लोगों को फेसबुक ऐड दिखाता है जो जिनका बिहेवियर है कि वो एप्स को इंस्टॉल करते हैं इस टाइप की, और ऐप इवेंट्स में शो करता है जो कि ना सिर्फ ऐप को इंस्टॉल करते हैं बल्कि उस ऐप के ऊपर कुछ एक्शन भी परफॉर्म करते हैं, यानी उस ऐप के थ्रू कुछ परचेज वगैरह करते हैं। ठीक है। तो जो लोग इन एप्स के थ्रू परचेज करते हैं चीजों को, उन लोगों को यहाँ पे आपकी एड शो करवाएगा। ठीक है। और अब हमारे पास लास्ट ऑब्जेक्टिव रह गया सेल। इससे पहले मुझे बताएं कि लीड्स और ऐप प्रमोशन जो मैंने अभी पढ़ाया है इसमें कोई कंफ्यूजन तो? ओके, अब हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है सेल्स। ठीक है। आज आपको थोड़ा बोरिंग तो नहीं फील हो रहा कि सारी थ्योरी थ्योरी ही हम रीड कर रहे हैं? असल में
हम अपनी जब हमने एड रन करनी है ना, तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमने सिलेक्ट करने के, कौन सी मतलब जैसे अब ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए ना सब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि इस ऑब्जेक्टिव का क्या फायदा है, हमने कब चूज करना है और इसका मतलब क्या है। तो ये सब कुछ हमें हर कंपोनेंट को अच्छे से रीड किया होगा तो हमें पता होगा कि इस ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, फिर हम अपने निश के मतलब अपने ब्रांड के लिहाज से, अपनी सर्विसेज के लिहाज से उस टाइप का ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले ये सब कुछ पता होना जरूरी है, तो इसलिए ये सारी थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है। इसके बाद हम प्रैक्टिकली इंशाल्लाह अपनी एड बनाएंगे जब हम सारे कंपोनेंट्स रीड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब जो लास्ट है ना वो है सेल्स। सेल्स का ऑब्जेक्टिव कब चूज किया जाता है, जब आप चाहते हैं कि आपके ब्रांड की प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सेल है या आपकी सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो। अब यहाँ इसके अंदर भी कुछ जो है ना सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये सेल वाला जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसके अंदर जो फेसबुक है ना वो स्पेसिफिकली उन लोगों को आपकी एड शो करवाता है जिन लोगों का ये बिहेवियर है कि वो इस टाइप की चीजें खरीदते हैं जिस टाइप की आपकी ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, और यानी आपके ब्रांड के टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले से ही उन चीजों को खरीदते हैं। फेसबुक उनके बिहेवियर से देखेगा ना, तो वो इस तरह के पेजेस को विजिट करके वहां से इस तरह की चीजें परचेज कर रहे हैं, तो फिर वो उनको वो आपकी एड शो करवा देगा। ठीक, तो इसके अंदर पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है, इसमें फेसबुक जो है ना उन लोगों को आपकी एड शो करवाएगा, जो जैसे कुछ लोग होते हैं ना वो वेबसाइट्स को जाते हैं, विजिट करते हैं उसको, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एड टू कार्ट करते हैं और फिर उनको परचेज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लोगों को फेसबुक आपकी अपनी एड को शो करवाएगा। इसके अलावा कैटलॉग सेल, कैटलॉग सेल क्या होता है, अच्छा जो एक वेबसाइट होती है ना उसके अंदर ना डिफरेंट कैटलॉग्स बनाई होती हैं, मतलब आपने देखा होगा एक कैटेगरी की जो चीज है ना वो एक कैटलॉग में होती है और दूसरी कैटेगरी की चीज दूसरी कैटलॉग में। जैसे हमने देखा है कि जो जैसे वीमेन क्लोथिंग का ब्रांड है, तो उन्होंने जो वेस्टर्न क्लोथिंग की जो रखा का वेस्टर्न जो क्लोथिंग है उसका उन्होंने अलग से कैटलॉग बनाया होता है, और जो फॉर्मल क्लोथिंग है उसका अलग से कैटलॉग बनाया होता है। तो जब हम कैटलॉग का सेल का एड चलाते हैं ना, तो अब इसमें क्या फायदा होता है कि अब जब किसी शख्स को एक एड शो हो रहा है कैटलॉग सेल का, तो एक वो शख्स जिस तरह की कैटलॉग में मौजूद जिस तरह के आइटम्स खरीदता है उसका बिहेवियर फेसबुक चेक करेगा कि किस प्राइस रेंज की प्रोडक्ट्स को खरीदता है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदता है। तो जब उसको एड शो करवाई जाएगी ना, तो उस आपकी जो कैटलॉग है ना उसमें से उस टाइप की प्रोडक्ट्स उसको उस एड में शो करवाएगा फेसबुक। तो इससे ये होगा कि उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा, क्योंकि वो अपनी पसंद की चीजें देख रहा है, तो वो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो वो आपसे आपकी चीज। इसके बाद जो है ना मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वाला ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तीन जगह पे है। अब जब ये सेल वाली वाले पोर्शन में है ना, सेल वाले ऑब्जेक्टिव में है, तो इसमें क्या होगा कि ये उन लोगों को यानी उस ऑडियंस को शो यहाँ पे लेके तो वो मैसेज ही आएगा ना, लेकिन उस ऑडियंस के थ्रू मैसेज आएंगे आपको जो कि पहले से इंटरेस्टेड हैं आपके ब्रांड में, तो उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसके अलावा ये है कि जैसे हमने देखो कि बहुत सारे जो इलिटरेट पीपल है मतलब अनपढ़ लोग हैं ना, वो किसी वेबसाइट से ना कुछ भी बाय करने में इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि उनको आदत नहीं होती किसी वेबसाइट पे जाके खरीदने की, तो उन्हें ये कंफर्टेबल लगता है कि वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें और मैसेज के थ्रू बात करें और फिर व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर कर दें। तो फिर उस केस में ये है कि उन लोगों को ये वाला एड शो करवाया जाता है जो कि व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या मैसेंजर के थ्रू ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो वो लोग फिर व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर जो है ना मैसेज करके वीडियो मंगवा लेते हैं प्रोडक्ट की, और फिर वहीं पे व्हाट्सएप पे ही जैसे मैसेंजर इंस्टाग्राम वगैरह वहां पे ही वो ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉल्स, अब कुछ लोग होते हैं वो कॉल्स के करके तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और कॉल्स के थ्रू ऑर्डर करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे ये उन लोगों को आपकी एड शो करवाएगा जो कि कॉल्स के थ्रू मतलब चीजें बाय कर रहे होते हैं। तो फिर वो लोग ऐसे लोग जो है वो जाहिर है आपकी चीज में भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वो पहले से इस टाइप की चीज को पसंद करते हैं या उसको बाय कर रहे होते हैं कॉल करके, तो वो आपको भी कॉल करेंगे और थोड़ी सी इंक्वायरी करेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, और आप कोई भी वो एक्शन ले लेंगे वो बाय करने के लिए आपको ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, 6 ऑब्जेक्टिव थे मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इसमें से किसी भी ऑब्जेक्टिव में आपको कोई कंफ्यूजन है ना तो वो आप पूछ लें, और ये जो स्लाइड्स हैं ये सारी मैं इंशाल्लाह आज ही आपसे शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग अच्छी तरह इनको रिवाइज कर लें। अदरवाइज स्लाइड ना भी देखें ना तो आप क्या करें कि यहाँ पे ना
जैसे मैंने आपको बताया आपने एड्स मैनेजर में जाना है और वहां से ये क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे ऑब्जेक्टिव शो होंगे। आपने जब जिस भी ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किया उसके सब ऑब्जेक्टिव्स के सामने ये आई के बटन्स आ रहे हैं। तो जिस भी आई पे आप क्लिक करेंगे उसके बारे में यहाँ पे वो बता देगा कि इसका मकसद क्या है, ठीक है, इसका क्या पर्पज है, इसे अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो, और अगर आपने और ज्यादा इजी वर्डिंग में डिटेल में देखना है तो वो मैं आपके साथ स्लाइड्स इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी आज, तो आप लोग वो भी रिवाइज कर लीजिएगा उससे भी, ठीक है। और ये अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा ताकि मैं कल आपको जब नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं आप हमारी जो ऐड है उसके वो समझाऊं तो आपको फिर पिछले ना भूलें, वो पिछले वाले अच्छे से याद हो जाएं। जब पीछे से आप मेमोराइज करते जाएंगे ना तो जिस दिन हम अपनी ऐड लाइव बनाएंगे इंशाल्लाह तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगी। और उस दिन फिर मैं आपसे पूछूंगी कि अब आप बताएं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव मुझे रखना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट जो है उसमें क्या चीज सेलेक्ट करनी चाहिए। तो इसलिए अपने साथ साथ ये चीजें जो है ना अच्छे से रिवाइज करनी है, इनको अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करें, सोचें इनके बारे में कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कब मैंने यूज करना है, अपने ब्रांड के बारे में सोचें कि मैं अपने ब्रांड के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करूँ, ठीक है। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज क्लास का टाइम तो खत्म होने वाला है तो मैं क्लास फिर लीव कर दूंगी। पहले आप क्वेश्चन कर लें चैट बॉक्स में, अदरवाइज नो मुझे। मिस पे कुछ नहीं चलें ठीक है, मैं क्लास लीव करती हूँ और आपने ना आज ही कोशिश करना है कि सब कुछ अच्छी तरह रिवाइज कर लें, ठीक है।